1620 में जब दुनिया की पहली पनडुब्बी बनकर तैयार हुई तब उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आविष्कार भविष्य में एक दिन महाविनाश का गारंटीड हथियार बनेगा जो पृथ्वी पर फैले महासागरों में कहीं भी रेंग सकती है बिना किसी की नजरों में आए। अपनी मारक क्षमताओं को उजागर करने के लिए तैयार एक इनविजिबल साइलेंट फोर्स जो किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन सालों के आधुनिकीकरण के इवोल्यूशन पर आपने गौर किया हो तो पनडुब्बियों को काले रंग में ही पाया होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक पनडुब्बियां उसी वजह से काली होती हैं जिस वजह से आपके कार के टायर काले होते हैं, हालांकि ये सुनने में तो अजीब है मगर 100% सही है। खैर, इससे पहले कि हम गाड़ियों की बात करें हमें सबमरीन्स और कैमोफ्लॉज यानी छलावाकरण के बारे में बात करने की जरूरत है। तो स्वागत है आपका क्यूरियस अंकित की नई वीडियो में। गाइस, परमाणु ऊर्जा के आविष्कार से पहले पनडुब्बियां वास्तव में पानी के नीचे की तुलना सतह पर ज्यादा समय बिताती थी, इसलिए यह जरूरी था कि पनडुब्बियां अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ढल जाएं जो दुश्मन के शिप्स या प्लेन के लिए छलावा का काम करेगा। अब इसी क्रम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों को विजुअल डिटेक्शन से बचाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए और रिजल्ट से पता चला कि सतह पर पनडुब्बियों के लिए काले डेक के साथ लाइट ग्रे कलर का हल यानी पतवार सबसे अच्छा विजुअल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। लेकिन 30 के दशक में एक और मुद्दा सामने आया और ये पाया गया कि जो पनडुब्बियां सतह के ठीक नीचे जलमग्न होकर चलती हैं उन्हें उनके ऊपर से उड़ने वाले विमानों द्वारा देखा जा सकता है जब तक कि वो गहरे पानी में न चली जाएं। अब इसके समाधान की तलाश में अमेरिका ने एक बार फिर 1937 में पर्ल हार्बर पर परीक्षण करना शुरू किया और इस एक्सपेरिमेंट के हिस्से के रूप में पनडुब्बियों को ब्लैक, डार्क ब्लू, पर्पल, ग्रीन और भी कई कॉम्बिनेशंस में पेंट किया गया। महीनों तक चली टेस्टिंग के बाद निष्कर्ष ये था कि क्लियर वाटर में कैमोफ्लॉज के लिए डार्क ब्लू कलर सबसे अच्छा है और कमांडर ने अपने डिवीजन की सभी एक्सपेरिमेंटल पनडुब्बियों को गहरे नीले रंग में रंगने का आदेश दे दिया। खैर, जैसे जैसे कैमोफ्लॉज टेस्ट आगे बढ़ा एक नई समस्या सामने आई और ये देखा गया कि डार्क ब्लू कलर एक निश्चित समय के बाद हल्के रंग का हो जाता है, इसलिए आखिर में पनडुब्बियों को काले रंग में रंगने का फैसला किया गया क्योंकि काला रंग किसी और रंग के मुकाबले ज्यादा समय तक टिकता है। हालांकि पनडुब्बियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स यहां रुके नहीं और 2006 आते आते रॉयल नेवी ने अपनी सबमरीन्स को एक नए कलर स्टीली ब्लू में रंगना शुरू किया और सारे परीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि दुश्मन को धोखा देने के लिए काला सबसे खराब रंग है क्योंकि काले रंग ने गहरे उत्तरी अटलांटिक में तो सही प्रदर्शन किया लेकिन नीले समंदर में स्टीली ब्लू कलर को काले रंग की तुलना में पहचानना बहुत मुश्किल था, जिस कारण ये उम्मीद की जा रही थी कि रॉयल नेवी सबमरीन्स के पूरे फ्लीट को स्टीली ब्लू कलर में रंग दिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान एनीकोइक टाइल्स की खोज हो गई जिसने सबमरीन्स को पेंट करने का झंझट ही खत्म कर दिया। जी हाँ गाइस, इस क्रांतिकारी खोज के बाद ज्यादातर मॉडर्न सबमरीन्स को एनीकोइक टाइल्स से कवर कर दिया जाता है जो दिखने में काली होती हैं। ये टाइल्स मेनली रबर से बनाई जाती हैं जिसमें हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं और साथ ही इनमें दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये टाइल्स दुश्मन सबमरीन से आने वाली सोनार वेव्स को सोख लेती हैं जिससे पनडुब्बी को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और दूसरा ये सबमरीन के अंदर से निकलने वाली आवाजों को भी बहुत हद तक कम कर देती हैं। अब ये टाइल्स कितनी इफेक्टिव हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2009 में HMS वैंगार्ड और फ्रेंच नेवी ट्रायंफ अटलांटिक महासागर में लो स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे और ये एनीकोइक टाइल्स इतनी प्रभावी थी कि दोनों सबमरीन्स में लगे सोनार एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर पाए और वे आपस में टकरा गए। फिलहाल आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब कैमोफ्लॉज के लिए सबसे बेहतरीन कलर डार्क ब्लू होता है तो ये एनीकोइक टाइल्स काली ही क्यों होती हैं, डार्क ब्लू या फिर किसी और कलर में क्यों नहीं। तो गाइस, इस सवाल का जवाब मिलते ही आप जरूर समझ जाएंगे कि गाड़ियों के टायर या मॉडर्न सबमरीन्स ब्लैक कलर की ही क्यों होती हैं। तो जो चीज टायरों को काली बनाती है वो है नेचुरल रबर में कार्बन ब्लैक का मिलना। अब ये कार्बन ब्लैक क्या है? असल में ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे आमतौर पर पेंट्स में कलर कॉम्बिनेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बात जब टायर्स की होती है तो रबर में कार्बन ब्लैक मिलाने से टायरों की टेंसाइल स्ट्रेंथ और सड़क पर घर्षण प्रतिरोध यानी एब्रेशन रेजिस्टेंस में 10 गुना से अधिक की वृद्धि होती है जिससे टायर्स लंबे समय तक रोड पर बिना घिसावट टिके रहते हैं और यही कारण है कि जितने भी रबर प्रोडक्ट्स में टेंसाइल और एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनमें कार्बन ब्लैक मिला होता है जिस कारण वो सभी प्रोडक्ट्स काले रंग के ही होते हैं। जबकि सबमरीन्स को देखें तो इन पर लगी एनीकोइक टाइल्स सबमर्जिंग और रिसर्फेसिंग के दौरान एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंस का अनुभव करती हैं, इसीलिए इन टाइल्स में कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। वही रिसर्च से ये भी पता चला है कि कार्बन ब्लैक रबर का साउंड एब्जॉर्प्शन परफॉर्मेंस किसी भी दूसरे रबर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सबमरीन्स पर इस्तेमाल की जाने वाली एनीकोइक टाइल्स का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी इन टाइल्स को क्या क्या इस्तेमाल करके बनाया जाता है इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है, मगर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इन टाइल्स का कलर कार्बन ब्लैक के कारण ही काला होता है। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सबमरीन्स के कलर से रिलेटेड आपके हर सवाल का जवाब मिला होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।